नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है हमारे कंप्यूटर पे आने वाले इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो कभी कभी ये एरर आता है, रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस। ठीक है, तो अगर आपके पीसी पर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो घबराइएगा मत दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं पीसी जब मेरा स्टार्ट करता हूँ, मैं लाइक रिस्टार्ट करता हूँ मेरा पीसी, और जब पीसी स्टार्ट होता है तो ये एरर आता है। अब देख पाओगे इस तरीके का एरर आता है, तो इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो आइए शुरू करते। तो दोस्तों आपको फर्स्ट जो है आपको पीसी रिस्टार्ट करना है। ठीक है, और रिस्टार्ट करने के बाद में दोस्तों आपको जो है डिलीट बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे का, या फिर जिस बटन से आपका बूट मेनू आता है आपको वो प्रेस करना है। ज़्यादातर जनरल जो बटन होते हैं दोस्तों वो होते हैं F2, F10 और F12। ठीक है, तो आपको बूट मेनू आपका ओपन करना है, या फिर डिलीट बटन से भी बूट मेनू ओपन होता है। तो मैं जो हूँ डिलीट बटन प्रेस करके बूट मेनू मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। मैं पीसी रिस्टार्ट किया है, उसके बाद में मैंने बूट मेनू का जो बटन है वो प्रेस किया, उसके बाद में मेरे सामने जो है बायोस का ऑप्शन ओपन हो गए। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है दोस्तों एडवांस बायोस फ्यूचर। ठीक है, इस पर आने के बाद आपको एंटर करना है, उसके बाद में आपको नीचे आना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जान दिखाई दे रहा होगा बूट डिवाइस प्रायोरिटी। ठीक है, आपको इसमें जाना है, तो मैं इसे इंटर करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको 3 बूट प्रायोरिटी डिवाइस दिखाई देंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो आपको जो है फर्स्ट डिवाइस जो है सीडी ड्राइव ही रहने देना है। ओके, और उसके बाद में सेकंड जो डिवाइस है आपको सेटा करना है, मतलब हार्ड डिस्क जो है आपकी वो करनी है, या तो यहाँ पर सेटा होगा, साटा होगा, या फिर हार्ड डिस्क होगा, तो आपको वो करना है। ठीक है, और थर्ड बूट डिवाइस जो है आपको फ्लॉपी करना है। ओके, आप याद रखिए फर्स्ट बूट डिवाइस आपको सीडी या डीवीडी ड्राइव करना है, सेकंड बूट डिवाइस आपको करना है हार्ड डिस्क, मतलब कि साटा या फिर जो आपकी हार्ड डिस्क होगी वो, और थर्ड बूट डिवाइस आपको करना है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा F10 टू सेव। ठीक है, तो हम F10 बटन प्रेस करते हैं और सेव करते हैं सेटिंग। तो यहाँ पे दिखाई देगा सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड एग्जिट सेटअप, तो हम इसे ओके करते हैं। तो अभी आपको दिखाई देगा दोस्तों कि वो जो एरर आ रहा था वो हमारा सॉल्व हो चुका होगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट विंडो नॉर्मली करना है, तो आप देख पाओगे मेरा पीसी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों।